इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है महाराज हमको समझा दो ताकि हम सफल होना चाहते हैं। अगले प्रवचन से वो समझाऊंगा। अगर ये सब काम नहीं आए तो फिर मैं मनी के बारे में, मंत्र के बारे में, औषधि के बारे में, क्योंकि मन की शक्ति के सामने ये सब नगण्य है। इसलिए पहले यही समझा दो सीधा कि आप मन से ही महाशक्ति बन जाओ। अगर नहीं हुआ तो मेरी तरफ से आपको तो कहीं ना कहीं एडिशन के रूप में, कोई ना कोई 1+1 फ्री के रूप में ये प्रवचन के साथ और भी एडवाइस ज्ञान तो आपको मिलेगा ही। अगले प्रवचन में हम ये सब देखने के पहले, इस काम की बात को समझने के पहले कि महाराज हम तो सोच रहे थे बच्चों को होशियार करना है, आप कह रहे हो कि बच्चों को ये समझाओ कि उनकी भावनाओं पर उनका कंट्रोल होना जरूरी है। मैं भावना नहीं हूं, मैं महाशक्ति हूं और मेरे भावनाओं को कंट्रोल करके सामने वालों को मैं हैंडल करूंगा। तो वो कैसा भी व्यक्ति हो, मेरी भावनाओं से जो उसको नफरत आ रही है वो नफरत जब प्रेम में बदलेगा तो मैं सफल व्यक्ति बनूंगा। ये समझने के लिए पाश्चात्य इमोशनल इंटेलिजेंस से पहले ही भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्यों कहा कि तेरे इमोशंस को कंट्रोल कर, अगर तू इमोशन को कंट्रोल कर देगा तो युद्ध में भी विजय प्राप्त करेगा। ये बात कैसे कृष्ण ने कहा, ये बात अगली प्रवचन में सुनने के पहले आज का काम क्या है महाराज, आज मैं क्या कर सकता हूं महाराज, आज आपको अपनी हथेली को देखना है और हथेली के ऊपर हमारा इस भारत का सबसे पवित्र और प्राचीन आराध्य बीज ओम को 12 बार लिखना है। स्त्रियों अपने लेफ्ट हैंड में राइट हैंड की अंगूठी की उंगली से 12 बार लिखें और पुरुष अपने राइट हैंड में अपने लेफ्ट हैंड की तर्जनी उंगली से, ऐसे उंगली उठाते हैं, उसमें से ओम को 12 बार लिखें और लिखने के बाद आराम से सोएं, यानी सोने के पहले ये लिखें। स्त्रियां अंगूठी की उंगली से डाबी हाथ में 12 बार ओम लिखें और कहें कि पवित्र ऊर्जा की कृपा मुझ पर हो, और पुरुष अपनी तर्जनी उंगली से डाबी हाथ की उंगली से जिमने हाथ में ओम 12 बार लिखे कहें पवित्र ऊर्जा की कृपा मुझ पर हो। ये बोल के आराम से सो जाए, उस पवित्र की ऊर्जा की शक्ति, पवित्रता की ऊर्जा की शक्ति, पवित्र ईश्वरीय शक्ति आपकी हाथ की रेखाओं को शक्ति दे और यही रेखा आपके जीवन को सर्वोत्तम बनाने वाला बने।